हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज जो वीडियो आया हुआ है वो है कमांडो 3 से, और इसमें कमांडो 3 इन एक्शन इसका इन्होंने टाइटल रखा है। और इसमें है विद्युत जम्वाल, जैसे कि आप जानते हो पिछले दो पार्ट आ चुके हैं। और विद्युत जी को तो आप जानते हो, यार उनके एक्शन जो हैं वो एक्शन के लिए इतने फेमस हैं, और एक्टिंग तो उनकी है ही है, लेकिन एक्शन जो करते हैं स्टंट वो खुद ही करते हैं सारे। तो देखते हैं इस वीडियो को, क्या है इस वीडियो में। 2013 ओके, ये रोपड़ वाली कहानी है। 2013 ओ, ये वो मलेशिया वाली। मिस आ गया भाई। ओ भाई, ओके, दिस नंबर, ये भाई बॉडी से सही ना रखी। ये वाला तो भाई खुद किया है ना। भाई का भाई, ये गाड़ी वाला तो भाई अल्टीमेट, ये वाला सीन सबसे अल्टीमेट है भाई। रियल एक्शन। कमांडो इन एक्शन, मतलब पूरे एक्शन दिखा दिए विद्युत जम्वाल के। और ज्यादा दिन दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो हफ्ते बचे हैं। दो हफ्ते में मूवी रिलीज होने वाली है, और एक एक्शन के साथ आपको पूरी भरपूर मूवी दिखेगी है। और ये मतलब इसमें मेकिंग दिखाई है थोड़ी सी, जो कमांडो 3 आ रही है। और भाई कितनी मेहनत करते हैं, आपने देख लिया होगा वीडियो में। और रियल एक्शन, मेन चीज़ ये है कि रियल एक्शन, ऐसा कोई वो नहीं है कि डिफरेंट कुछ ऐसा किया होगा, हाँ भाई उन्होंने खुद ड्यूक से करवाया हो या कुछ वैसा करा, खुद रियल एक्शन खुद ही करें, स्टंट इन्होंने खुद ही करें सबसे ज़्यादा। वो जब ये जंप करते हैं दूसरे फ्लोर पे से वो, और साथ के साथ गाड़ी के अंदर जो एंट्री मारना, और सबसे लास्ट में जो सीन आता है वो उस पर चढ़ के उसको फंसा के और एकदम पलट के मारना, दिस इज अल्टीमेट यार। पॉसिबिलिटी बहुत रियल होती है भाई। उन्होंने देखो नीचे प्रिकॉशन तो लिए होंगे, लेकिन अल्टीमेट है, क्योंकि जिस हिसाब से फेंक के मारा नीचे पलट के ना, उस हिसाब से गर्दन टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उसको सेफ्टी प्रिकॉशन भी लेके और साथ के साथ ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। और इनका आपने देखा ही होगा, मतलब ट्रेलर में भी देखा होगा, काफ़ी मतलब फाइट वाली और पूरी जो मूवी है उसी में एक्शन ही एक्शन है पूरी मूवी में। 2013 में जब ये पहली मूवी आई थी इनकी कमांडो 1, तो उसमें भी इन्होंने जो जंगल में एक्शन दिखाए थे वो बहुत ही अल्टीमेट थे। उसके बाद 2017 में जो कमांडो 2 आई, उसमें मलेशिया की स्टोरी, थाईलैंड की स्टोरी थी, तो मलेशिया में इन्होंने बहुत अच्छे एक्शन दिखा रखे हैं। उस वाली जो लोकेशन थी, जो एंडिंग सीन था, उसमें बहुत अच्छे तगड़े एक्शन थे इनके। और कमांडो 3 में तो भाई साहब अल्टीमेट ही हो गई है, यानी हद ही हो गई है कि क्या बोलें अब इनके लिए। तो भरपूर एक्शन है, और जो इसमें मेकिंग में दिखाया है इन्होंने, मतलब कैसे कैसे इन्होंने परफॉर्म किया है और कितनी मेहनत लगती है इन लोगों की, तो भाई मूवी तो जबर होगी ही है भाई, होनी भी चाहिए। और जो अंगीरा है इसमें हीरोइन है, तो उनके भी यार पिछले मूवी में तो इतने कुछ खास स्टंट नहीं दिखे, लेकिन इस मूवी में इनकी थोड़े फाइटिंग सीन इनके भी दिख रहे हैं। अदा भी हैं, अंगीरा भी हैं इसमें, तो ये दो लड़कियां भी हैं जो कि एक्शन में दिखेंगी हमें। तो तगड़ी ये मूवी जाने वाली है, तो देखते हैं, इस मूवी का इंतज़ार रहेगा। 29 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग देख के आओ, क्योंकि मूवी अच्छी जाने वाली है। तो ये वीडियो जो है एक्शन से भरपूर लगा है हमें, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के। और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। और लाइक कर दो यार वीडियो को, बहुत ही अच्छा वीडियो है, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।